हेलो फ्रेंड्स, द रश्मि कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सब्जी बनाना बताऊंगी, जो कि मशरूम और मटर की है। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मशरूम लिया है। ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है पैकेट मशरूम का। तो आप इसको लेके अच्छे से धो लें और इसको ज़्यादा बारीक टुकड़े ना करें, एक में से दो टुकड़े कर लें। और इसके मसाले के लिए जो मैंने लिया है, प्याज लिया है, दो बड़े प्याज लिए हैं मैंने। इसको अच्छे से धोकर काट लिया है। इसमें अब मिक्सी से इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैंने लहसुन भी लिया है, अदरक भी लिया है। आप चाहें तो इसके साथ में गरम मसाले भी पी सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं, साथ में नहीं पीसे हैं, बाद में ऊपर से डालूंगी मैं। कढ़ाई में तेल लिया है मैंने और हल्का हल्का इसको मशरूम को फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। मशरूम थोड़ा पानी छोड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले तेल में फ्राई कर लें। हल्का ही करना है, ज़्यादा ना करें। 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं फ्राई करने के लिए, बस इतना ही फ्राई करें। फिर हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमने मशरूम अलग बर्तन में ले लिया है। हमारा जो बचा हुआ तेल है उसी को हम यूज़ कर लेंगे। इसके लिए मैंने इसमें जीरा डाला है, जीरा अच्छे से चटक जाए। उसके बाद हमने जो मिक्सर में मसाला पीसा था, प्याज लहसुन अदरक, इसको डाल देंगे। उसको अच्छे से सुनहरा होने तक भून लें। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर प्याज अच्छे से भून जाएगा ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर प्याज कच्चा रहा तो ये मीठा मीठा लगता है, इसलिए आप अच्छे से प्याज को भून लें। देखिए बहुत अच्छे से प्याज भून कर तैयार हुआ है, तेल छोड़ दिया है कढ़ाई ने। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर डालेंगे, इसको भी आप अच्छे से भून लें। सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें जो हमारे बेसिक मसाले रहते हैं वो डालेंगे। आप जो भी हमारे डेली यूज़ के मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, इसको पानी में घोल कर ही डालें, क्योंकि अगर आप ऐसे डाल देते हैं तो मसाले जल जाते हैं, अच्छे से भूनते नहीं हैं। इसलिए हम अलग से कटोरी में मसालों को लेंगे और पानी में भिगोकर तब डालेंगे। तब तक हमारे टमाटर अच्छे से पककर तैयार हो रहे हैं। मसाले तैयार करने के लिए एक कटोरी में अलग से पानी लिया है मैंने, उसमें स्वाद अनुसार नमक लिया। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो तीखा लें, अगर कम तीखा खाते हैं तो कम मिर्ची डालें। स्वाद अनुसार नमक लिया है। उसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, जो भी हमारे बेसिक मसाले रहते हैं, सबको अच्छे से पानी में घोल बना लेंगे। उसका 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको भुने हुए टमाटर और प्याज में डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भून लें। पानी में घोलने से ये है कि मसाले जलते नहीं हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छे से तेल में फ्राई भी हो जाता है। सूखे मसालों का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है, जला जला सा टेस्ट आता है। इसलिए आप जब भी कोई भी रेसिपी बनाएं, सब्जी बनाएं, तो उसमें मसालों को हमेशा पानी में घोलकर ही डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। और फिर इसमें मैंने थोड़ा दही डाला है, आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं। इसमें दही से क्या है, थोड़ा टेंगी फ्लेवर आ जाता है, खट्टा जो अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्ट आता है इससे। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अभी आप देखिए बहुत ही सुंदर कलर आएगा इसका। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लें और धीमी आंच पर इसको पकाएं। इस तरह से धीमी आंच पर पकने दें, हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी गरम करके डाल सकते हैं। अगर आप पानी गरम करके डालेंगे तो उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने, बहुत ही अच्छा मसाला भुना है हमारा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, यकीन मानिए दोस्तों टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। आप चाहें तो पानी गर्म करके डालें, नहीं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। आपको कितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालें इसमें। मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी लिया है क्योंकि मुझे पतला ही चाहिए था। ये देखिए इतना कुछ रखा है मैंने पानी,
आप अपने हिसाब से ले लें कि आपको कितना पतला रखना है और कितना थिक रखना है। इसको अच्छे से उबाल आने दें, बीच बीच में थोड़ा चला दें। मैंने फ्रोजन मटर लिया है, अगर आपके पास हरा मटर अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो फ्रोजन मटर तो कभी भी किसी भी मौसम में मिल जाता है, आप इसको ले सकते हैं। पानी में उबाल आने तक इसको अच्छे से हिलाते रहें, 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छे से पहले उबाल लें। इसमें अच्छे से उबाल आने के बाद फिर इसमें हमने जो मशरूम हमारा फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छा कलर, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप किस कोने से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इससे मैं आपका थैंक्स कह सकूँ। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप किसी के साथ भी इसको ले सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, आपको जैसे भी अच्छे लगे, सबके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, खासकर चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हमारी कुछ इस तरह थिक हो गई है सब्जी। इसमें फिर हम ऊपर से कटा हुआ बारीक हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें इसमें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। ये देखिए बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। दोस्तों आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में सभी को खिलाएं, उनको ज़रूर पसंद आएगी और वो आपकी तारीफ़ तक करते हुए नहीं थकेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।